दोनों राज्य प्रगति करें, विकास करें और देश की प्रगति और विकास में अतुलनीय योगदान दे, और दोनों राज्य की जनता को भी प्रणाम करते हुए वो सब सुखी रहें, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही शुभकामनाएं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से देता हूं। देखिए, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है, 5000 साल से ज्यादा ज्ञात इतिहास है हमारा। आज जिनको विकसित देश कहा जाता है, वहां जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब भारत में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। एकम सद विप्रा बहुधा बदंति का मंत्र देने वाला भारत, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना, लेकिन भारत ने तो हजारों साल पहले कह दिया, अयम निजम पराबेत्ति गणना लविचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम, सारी दुनिया को एक परिवार मानने का मंत्र देने वाला अपना भारत। आत्मवत सर्वभूतेषु, जियो और जीने दो, सत्यमेव जयते, ये भारत ने दुनिया को ये मंत्र दिया है। और सबसे विशेष बात जो मुझे लगती है, जो गांव का बच्चा बच्चा आज भी गाता है, उद्घोष करता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में और विश्व का कल्याण हो, ये भारत का विश्व के लिए मंगल गान है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुग्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और इसी हमारे महान देश के दो महान राज्य, महाराष्ट्र, देखो मुल्क मराठों को, या मराठों का है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके शौर्य की गाथाएं और महापुरुषों की ऐसी मालिकाएं कि मैं वर्णन करूं तो घंटों लग जाएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ललकार के कहा था। आप देखें कितने महापुरुष हुए इस धरती पर, कितने संत हुए इस धरती पर, संत तुकाराम से लेकर संतों की एक परंपरा पूरी की पूरी। और वैसे ही गुजरात में सचमुच में आज भारत इस स्वरूप में है, तो इसका श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हम सब जानते हैं, अगर वो ना होते तो भोपाल के नवाब ने आंखें दिखाती थी, जूनागढ़ का नवाब, हैदराबाद के निजाम, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो सरदार पटेल जी ने टेढ़ी उंगली करके भी घी निकाल के लाए और इन राज्यों को भी भारत में विलीन किया। महात्मा गांधी विश्व बंद है, अद्भुत बापू, दे दी तूने आजादी बिना, क्या कीर्ति गाथा है महात्मा गांधी की, आज भी प्रासंगिक है और दुनिया को शाश्वत शांति का संदेश दे रहे। और आज मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन गर्व होता है ये कहते हुए कि गुजरात की इसी धरती पर जन्म लिया नरेंद्र भाई मोदी ने, और देश के मान और सम्मान को, देश की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में बढ़ाने का चमत्कार किया। एक व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है, और कितनी दिशाओं में काम करते हैं। कल आपने मन की बात सुनी होगी, अब कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है कि जो हर महीने देश में जो अनसीन हीरो है, जो दिखते नहीं है, उनके अच्छे कामों को सामने लाके उनको प्रतिष्ठित करने का काम करे। कौन भूरी भाई जैसी कलाकार हमारी कौन ढूंढ के लाया और उनको पद्मश्री से सम्मानित कर दिया। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा बात के, लेकिन इस महान धरती पर गुजरात की महान योद्धा भी पैदा हुए, महान संत भी नरसिंह मेहता जैसे पैदा हुए, और गुजरात ने देश की प्रगति में अतुलनीय योगदान दिया। और एक बात और कह दूं, दोनों राज्यों से मेरे भी व्यक्तिगत रिश्ते हैं। महाराष्ट्र का मैं जवाई हूं और गुजराती समाज स्कूल में मैं पढ़ाऊं। मैं जब गांव से आया चौथी पास करके,
पांचवी में, तो एडमिशन कहाँ दिलाया जाए? तो मेरे पिताजी को पता नहीं मारवाड़ी रोड पे कहां से गुजराती समाज स्कूल दिखा और वहीं मेरा एडमिशन करा दिया। तो मैं गुजराती समाज स्कूल में बचपन से पढ़ा। दोनों राज्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखो दोनों राज्य कितनी प्रगति और विकास कर रहे हैं, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन मुंबई वाणिज्यिक राजधानी हमारी, कॉमर्शियल कैपिटल, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैप्टिव बिजनेस, आउटसोर्सिंग, उद्योगों का प्रमुख केंद्र, देश में सबसे ज्यादा जीएसडीपी महाराष्ट्र की, फिल्म उद्योग के कारण